भाई शाहरुख की तरफ से रसगुल्लों की पार्टी तीखे ऐसे खड़ा हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस इस वक्त मैं हूँ जिला अलीगढ़ के अपने गांव में, ग्राम नूरपुर। तो यार गांव की लाइफ को तो मैं आगे दिखाई रहूँगा आने वाले व्लॉग्स में, लेकिन आज जो इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है उसका रीज़न है कैप्टन रोसोखो। अब यार ये कैप्टन रोसोखो कौन है, आई नो आप लोग नहीं जानते होंगे, बट आजकल ये अपने प्रोजेक्ट 360 को लेकर के इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। और यार इनका प्रोजेक्ट 360 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जा कर के क्लिक कर सकते हैं। वेल अभी ये इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब वगैरह पे है नहीं, तो उनकी एक रील देखी थी मैंने इंस्टाग्राम पे ही उन्होंने डाली थी, और उन्होंने टाइम दिया था कि 11 बजे मीटअप है, आप लोगों को आना है तो आ सकते हैं। तो यार जिनकी ओपनिंग में मैं जा रहा हूँ जहाँ पर वो आने वाले हैं, तो देखते हैं यार कैसा होने वाला है उनसे मुलाकात, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं वेना रोड पर फिटनेस जोन के पास, तो चलिए चलते हैं यार देखते हैं। देखो इंतजाम तो कुछ तगड़ा ही कर रखा है, बाइक काफी सारी खड़ी हुई है। ओहो तो यार देखते हैं, जिम का स्पेस तो काफी बड़ा लग रहा है मेरे को। ओके हियर इज द जिम गाइस, बहुत ज़्यादा स्पेस है यार, बहुत अच्छा स्पेस है। लेकिन जिनसे मैं मिलने आया हूँ यार वो बंदा नज़र नहीं आ रहा मुझे अभी। तो भाई लोग मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था, और मैं भैया से पहले आ गया था। तो चलो चलिए मिलते हैं और मिलाते हैं आपको कैप्टन रोसोखो से, और उनकी आईडी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स गो इनसाइड। सो हियर इज द गाय मैन, हियर इज द गाय। रियली इंस्पायर्ड भाई सब, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ मैं यार, और इनकी पूरी सीरीज फॉलो कर रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं यार। इनकी आईडी मैं मेंशन कर दी है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे यार ज़रूर से फॉलो करें, भाई को सपोर्ट करना है आपको। भाई यार आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, मैं ना अभी सुबह सुबह देखा है, लाइक 10:30 बजे मैंने देखा, 10:15 बजे आपकी वीडियो को, ठीक है, क्योंकि आज मैं लेट हुआ था सोने के, तो मैंने देखा यार आपने वीडियो देखा, 6 बना रहे हैं। मैंने भाई जिसमें से नाम होकर के साइड होकर के वहाँ पहुँच गया आपके पास, कितनी दूर है 10 किलोमीटर। मेरे भाई को भाई फॉलो कर रहे हो और स्टंट दोबारा शुरू होंगे, अभी स्टंट कर रहे हो या नहीं? अभी नहीं कर रहा, इंस्टंट इंशाल्लाह 2-3 महीने में स्टार्ट कर लूँ, नहीं मतलब नहीं न्यू ईयर से स्टार्ट करने का सोचा था, न्यू ईयर से इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर अच्छे से काम कर रहा हूँ, और फ्लिप जो है भाई हमें भी सिखा सर, मुझे बहुत मन है फ्लिप का, पैसे वाली तो मैं कर लेता हूँ आगे, पीछे वाली का मेरा बहुत मन है, जरूर पक्की बात है। गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं जिम से, तो अभी जा रहे हैं यार गांव की तरफ वापस, क्योंकि वहां पे एक तो हसन भी आने वाली है, तो उधर की साइड ही जाएंगे, देखते हैं किससे मुलाकात हो पाती है नहीं हो पाती है, फोटो वोटो ट्राई करेंगे यार खींचने का। वेल गाइस 4 बज चुके हैं और हम इंतज़ार में हैं इकरा हसन जी के, तो अभी तक फ़िलहाल तो वो आई नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे जाना पड़ेगा उन्हें लेने के लिए, मतलब कैमरे में लेने के लिए, समझ रहे हो? डर होना उसे बहुत, जब भी वीडियो बना रही हूँ। Hey guys, तो 4 बज चुके हैं यार और इकरा हसन जी अभी तक आई नहीं है, और उनका आने का जो टाइम था वो 2 बजे था, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जाना पड़ेगा उनको लेने के लिए, मतलब कैमरे में कैद करने के लिए, क्योंकि वो तो आ नहीं रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं टप्पल चला जाऊँ, तो जैसे ही आएंगे वो मेरे को पता चल जाए कि वो आ गई हैं, देन हम वीडियो शूट कर लेंगे, और आई डोंट थिंक सो कि अब फोटो शूट वगैरह उनके साथ हो पाएगा, तो यार देखते हैं अभी थोड़ा इंतज़ार करते हैं। मैंने बोला है भाई के लिए, मैंने बोला है भाई को कि कॉल कर देना जैसे ही वो आ जाएँ, ठीक है। तो यार ये इकरा हसन का सीन कुछ ऐसा है कि गाँव में उनका एक अलग ही फ़ैन बेस बना हुआ है, ख़ास करके लड़कों में, आई डोंट नो वाई, बट है तो है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर नहीं है, बस मेरे को व्लॉग बनाना है, समझ रहे हो। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं टप्पल,
क्योंकि अब इंतज़ार मुझे लगता है ख़त्म हो चुका है। और यार गांव में आने वाली थी इकरा हसन, लेकिन गांव में इंतजाम नहीं हो पाए तो टप्पल में इजाज़त मिली है। तो अभी देखते हैं यार क्या प्रोग्राम होने वाला है, चल रहे हैं आगे की तरफ। पैसे भी जा रही है देख लो। यार गांव के लौंडे दीवाने हो रखे हैं इकरा हसन के, भाई साहब देखो ओम फो बंठन का है, जूते वूते नए चप्पलें डाल के। दिल्ली के लौंडे भी आए हैं साथ में, ये इकरा हसन का सबसे बड़ा दीवाना है ये। यहाँ पर लगा हुआ है मंच जहाँ पे इकरा हसन आने वाली है। तो ये गाइज यही है वो दो लोग जिन्होंने आज इकरा हसन की वजह से छुट्टी मारी थी, लेकिन दिल्ली नहीं गए, ये जॉब पे नहीं गए, काम पे नहीं गए। और अफसोस इस बात का है कि इकरा हसन का आना कैंसिल हो चुका है, तो इसलिए हम जा रहे इस दुख के चक्कर में पानी के पटाखे खाने। चलो चलते हैं। ये भाई सलाउद्दीन है हमारे, हेलो, यही दे रहे हैं पानी के पटाखों की दावत। फाइनली गाइस साजन गोल गप्पे पे हम पहुंच चुके हैं। लौंडे बड़े दुखी है हमारे, खास करके ये ज्यादा दुखी है, उससे ज्यादा दुखी पीछे वाला है। तो भाई गोलगप्पे भी खा लिए अब अपने, अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। तो यहीं पे करते हैं हम ब्लॉग का एंड। आई होप ब्लॉग में आप लोगों को मज़ा आया होगा, मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया क्योंकि ग्रह सन्नी आई, लेकिन सुबह में मज़ा आ गया, पैसा वसूल हो गया, मुझे जिससे मिलना था उससे मैं मिल चुका हूँ। चलिए बाय बाय। भाई शाहरुख की तरफ से रसगुल्लों की पार्टी, तीखे तीखे के बाद कुछ मीठा हो जाए। लौंडे घर घर जाते हुए आइसक्रीम खाई है इन्होंने, रसगुल्ला खाए।